एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। अरे बहुत सारे देशों में लड़कियां रातों को सड़क पे अकेली निकल जाती घूमने, जो बुर्खा पहनती है उनके रेप नहीं होते, 70-80 साल की औरतों के रेप नहीं होते। अरे छोटे 5 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग, अब उनको भी क्या बुर्खा और साड़ी पहनाने लग जाएं? पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे अपने लड़कों को कब पढ़ाओगे? बेटी पहले पढ़ाई भी करे फिर खुद को बचाने के तरीके भी सोचे। सब हमका धर्म है, लव का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। सबकी असली वजह जो रूट कॉज है वो है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, एजुकेशन नहीं मॉरल एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग भी रेप करते हैं, किस फॉर्म में? मैरिटल रेप, पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती, पर उनके खिलाफ बोलता कौन है? ना जाने कितनी शादियां समाज के बोझ के तले खींचे जा रही हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रेप? तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। कानून तो है लेकिन मजबूत नहीं है। कितने रेपिस्टों को फांसी की सजा हुई है तुझे याद है? बढ़िया खाना पीना चल रहा है उनका जेल के अंदर। लगभग 30% पॉलिटिशियंस के तो खुद के ऊपर रेप चार्जेस हैं। साला टीवी पे आके कोई नेता बोल देता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, और कुछ तो रेप सर्वाइवर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। हम लोग को पब्लिक में खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। तुम्हें जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से सरकार पे दबाव डालना चाहिए ताकि ये सारी चीजें फटाफट लागू हो जाएं और मुजरिमों के मन में डर बैठ जाए। जितना जोश तुम क्रिकेट और फुटबॉल में दिखाते हो, अगर उसका आधा भी तुमने इन चीजों में दिखा दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां बहुत सुकून से जिएंगी।